दोस्तों, अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में हालांकि हर साल कुछ नई यूनिवर्सिटीज आती हैं, नई यूनिवर्सिटीज बनती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। अपने देश में 400 से भी ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 1000 से भी ज़्यादा टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं हिंदुस्तान में। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, स्टेट काफ़ी सारे हैं, जगह बहुत सारी है, इसीलिए यूनिवर्सिटीज जब बनती हैं तो अपने प्रपोजल में डालते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, बाहर ना जाएं, अपने ही स्टेट से एजुकेशन लें और हम अच्छी एजुकेशन देंगे। ये सब प्रपोजल में डालकर यूनिवर्सिटीज अप्रूवल लेती हैं और स्टेट से अप्रूवल लेने के बाद यूजीसी में अपनी फाइल को सबमिट करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हर साल आती हैं और यूनिवर्सिटीज बनती चली जाती हैं। जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और हर यूनिवर्सिटी आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती हो। मैं हमेशा से अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, क्योंकि मैं एजुकेशन को सब कुछ मानता हूं और एजुकेशन लेना हर इंसान को बहुत ज़रूरी है। जिस भी देश का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है वो देश तरक्की ज़रूर करता है, उस देश को कोई रोक नहीं सकता तरक्की करने से। डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड, ये स्लोगन मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ। एक यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत समय से जो आप हमसे पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि सर क्या हमें राधा गोविंद यूनिवर्सिटी जो झारखंड में यूनिवर्सिटी है, क्या इस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना चाहिए। अलग अलग कोर्सेज के लिए आप लोग हमें कॉल करते हैं कि सर हम झारखंड में जो यूनिवर्सिटी है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, क्या इसमें एडमिशन ले लें। दोस्तों, हम किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐसे रिकमेंड नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में आप एडमिशन लेंगे या नहीं ये आपकी कॉल है। मैं आपको आज राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके अप्रूवल्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, यूनिवर्सिटी का एक्चुअल कैंपस कैसा है उसके बारे में और साथ में ही यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहाँ रैंक करती है, ऐसी कई सारी बातों पर डिस्कस करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। होप कि आपके सब तरह के डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड में स्थित है, ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आज तक विजिट किया। विजिट करने के बाद में हालांकि उनके स्टाफ का, चाहे वीसी साहब हों, रजिस्ट्रार साहब हों, चांसलर हो, बहुत सारे ऐसे लोगों का हमने इंटरव्यू किया, एक्सप्लोर किया यूनिवर्सिटीज को, कोर्सेज को बताया और इंटरनेशनल काफी यूनिवर्सिटीज पर भी वीडियोस हम लेकर आए हैं। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज की तरह है जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं हमारे देश में। अब बात करें, झारखंड में टोटल 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, उन्हीं में से एक नाम आता है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी का। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी 8वें नंबर पर, आपको यूजीसी पर आप अगर जाओगे चेक करेंगे, 2018 में यूनिवर्सिटी आई है, इसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप यूजीसी पर इसको चेक कैसे करेंगे, आप सीधा जाइए www.ugc.ac.in। जाने के बाद में वहां पर आएगा एक यूनिवर्सिटीज का टैब, यूनिवर्सिटीज के टैब पर क्लिक करेंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर आपको बाद में क्लिक करना है, सब स्टेट्स के नाम आएंगे, झारखंड पे क्लिक कीजिए। झारखंड पे क्लिक करने के बाद टोटल 16 यूनिवर्सिटीज आपको दिखाई देंगी। 16 यूनिवर्सिटीज जो आप चेक करेंगे उसके अंदर 8वें नंबर पर होगा राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। ये 8वां नंबर रैंक वाइज नहीं है, ये अल्फाबेटिकली जो सीरीज बनती है उसके अनुसार नाम डला हुआ है। 2018 में यूनिवर्सिटी बनी है, लगभग इस यूनिवर्सिटी को 4 साल हो चुके हैं। मोर डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो यूनिवर्सिटी के वीसी साहब है डॉक्टर एम रजीउद्दीन, इनका नाम है और यहाँ पर इनका फोन नंबर भी है, मेल आईडी भी है। साथ में जो रजिस्ट्रार साहब है यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल, साथ में इनका मेल आईडी और फोन नंबर, कोई प्रॉब्लम हो सीधा इनसे आप कॉन्टेक्ट करें, आपको बिल्कुल परमिशन होती है, क्योंकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक तरह के कंज्यूमर ही होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, सभी लगभग जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वो एज अ कंज्यूमर ही होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी परेशान करे, फी रिफंड ना करे, या बहुत सारी समस्याएं होती हैं, फी रिफंड कैसे लेंगे, वीडियो हमने बनाई है और कई सारी झारखंड की यूनिवर्सिटीज पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, ये भी बताया है कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कौन सी में ना लें। कोई प्रॉब्लम है सीधा आप वीसी साहब से, रजिस्ट्रार साहब से कॉन्टैक्ट करें, फिर भी प्रॉब्लम हो कंज्यूमर फोरम को आप कॉन्टैक्ट करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के बारे में हम और अगर बात करें, यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, एड्रेस तो झारखंड में ही आपको दिखाता है, बट इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलती है। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट में जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी ने अपना एक दिल्ली में भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया हुआ है। हालांकि जो एक प्रोफेसर यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो एक जजमेंट है 2005 का, उसमें मेंशन है कोई भी यूनिवर्सिटी अपना ऑफ कैंपस नहीं बना सकती। क्या ऑफ
ऑफिस बना सकती है, ऑफ कैंपस ऑफिस। ये भी आपको देखने वाली कुछ चीजें हैं। यूनिवर्सिटी दिल्ली में अपना ऑफिस बनाया है, डिटेल्स डली हुई है, साथ में यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है डिटेल उसकी डली हुई है, साथ में जो इनका सिटी ऑफिस है रांची में उसकी डिटेल्स डली है। यहाँ से वो डिटेल्स भी आप जाकर जरूर देख सकते हैं। बट प्रोफेसर यशपाल वाला जो जजमेंट है वो यहाँ अब अप्लाई होता है या नहीं उसके बारे में हम आरटीआई बहुत जल्दी डालेंगे, फिर आपको बताएंगे राधा गोविंद यूनिवर्सिटी ने जो ऑफ कैंपस एक ऑफिस बनाया है वो होना चाहिए या नहीं। यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। साथ में झारखंड से, झारखंड जो गवर्नमेंट है वहां से यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल लिया होगा तभी यूनिवर्सिटी बनती है। पर अप्रूवल्स का टैब या यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं उसके बारे में खास इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट से आपको मिलेगी नहीं। जो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट के माध्यम से बोलती है वो बोलती है कि यूनिवर्सिटी के पास फैकल्टीज लगभग 50 प्लस हैं। हालांकि एक यूनिवर्सिटी को चलने में 50 फैकल्टीज तो कुछ नहीं होता, कि बहुत ज़्यादा फैकल्टीज की ज़रूरत होती है। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है सिर्फ 33 एकर्स में है। हालांकि 30 एकर्स का लैंड चाहिए होता है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, साथ साथ में ही और भी कुछ चीज़ें जैसे यूनिवर्सिटी ने लिखा है 45 प्लस इस यूनिवर्सिटी के पास प्रोग्राम्स हैं चलते हैं। दोस्तों जब आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहें तो पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो यूजीसी एक्ट है 1956 का उसके सेक्शन 2F के तहत बनती है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी सभी तरह के कोर्सेज मतलब सर्टिफिकेट डिप्लोमा यूजी पीजी कोर्सेज साथ में रिसर्च प्रोग्राम्स कराने के लिए परमिशन और साथ में ही अपना जो सबमिशन देती है जो प्रपोजल होता है उसे मेंशन करती है, इसीलिए ये सभी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटीज चलाती हैं। इनके लिए यूनिवर्सिटी को अलग से कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती। काउंसिल कोर्सेज चलाने हैं तो काउंसिल के अप्रूवल्स लेने होंगे। यूनिवर्सिटी के जब आप फीस में जाओगे, फीस स्ट्रक्चर में, तो आपको कोर्सेज के बारे में डिटेल्स देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा खास कोर्सेज नहीं, बट कोर्सेज जैसे कि LLB के लिए बार काउंसिल का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। हालांकि बार काउंसिल लेटर कहीं मुझे मिला नहीं इनकी वेबसाइट पर, दोबारा कभी वीडियो लेकर आएंगे और डिटेल में, या फिर हम जब यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे या हमारे पास जब भी 2022 का प्रोस्पेक्टस आएगा तो और डिटेल में हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। LLB, LLM, BA LLB यूनिवर्सिटी करवाती है, फी चार्ट में यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हुआ है। BEd करवाती है, PTT कराती है, DLED यूनिवर्सिटी करवाती है जो इनके फी चार्ट में है, MEd यूनिवर्सिटी करवाती है, MA एजुकेशन एक अलग कोर्स है, क्योंकि ये जो BEd है, DLED है या MEd है इसके लिए काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। एक कोर्स और यूनिवर्सिटी करवाती है BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों ये BPED नहीं है, आप इसको BPED मत मान लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने BPED में एडमिशन लिया है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी BPS करवाती है, यूनिवर्सिटी BPED नहीं करवाती है। साथ में और अच्छे कोर्सेज की बात करें, BHM ठीक है, मैं अच्छा कोर्स मान सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं हर साल अपने प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है, BPharmacy यूनिवर्सिटी ने फी चार्ट में डाला है बट अप्रूवल हमें इसका मिला नहीं इजीली जब ढूंढ रहे थे हम इसको। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, दोस्तों अप्रूवल नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल नहीं होगा। मैंने फिर आपको बताया हम बहुत जल्दी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, हमारे पास जब अप्रूवल्स होंगे यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्ट 2022 का होगा, या हम जब यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे और बहुत डिटेल में आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। यूनिवर्सिटी DPT करवाती है, BPT करवाती है, MPT करवाती है, DMLT, BMLT, X-ray, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सभी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, वो ये यूनिवर्सिटी भी करवाती है। कुछ खास ऐसे कुछ अप्रूवल्स के बारे में कुछ मिला नहीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। PhD यूनिवर्सिटी करवाती है, रिसर्च में एडमिशंस देती है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो सभी यूनिवर्सिटीज करवा सकती हैं ये यूनिवर्सिटी भी करवा सकती है। झारखंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने 16 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से लगभग हमने 10-12 पर वीडियो बना दी है अब तक, आप उन सब पर भी वीडियो देख सकते हैं। पर जब भी आप एडमिशन लें इस यूनिवर्सिटी में, जो आप सवाल पूछते हैं हमसे, कंपेयर ज़रूर कर लें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से। ये यूनिवर्सिटी 2018 की है, 2018 की और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इससे अच्छी है। यूनिवर्सिटी कैंपस अच्छा है, यूनिवर्सिटी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अच्छे हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के सिर्फ लुभावने एडवर्टीजमेंट्स को देखकर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर करें, फैकल्टी मेंबर से मिलें, कैंपस विजिट करें और देखें जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो कैसी होगी आपके लिए। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का वीडियो आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल अप्रूवल की वीडियो चाहते हैं, कोर्सेज पर चाहते हैं, आप चाहते हैं हम यूनिवर्सिटी विजिट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर एक बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे और आपके सब तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।